हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 12 दिसंबर और आज हम 12 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन वन, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। ITC, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। यह पहले इम्पीरियल कंपनी ने इसे पहले गठित किया था 1910 में लगभग, और उसका नाम बदल के इंडियन टबैको कंपनी कर दिया गया है। इसके चेयरमैन और एमडी संजीव, लिख देता हूँ संजीव पुरी हैं, याद रखिए एग्जाम में पूछ सकता है। और इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। और याद रखिएगा ये इसका गठन इम्पीरियल ने किया था 1910 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ये भारत की राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी, इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ पे यह गठित हुआ। और क्या है इसका काम? यह व्यापार और विकास हेतु यूएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर तुर्की में है, तुर्की के इस्तांबुल में। इस्तांबुल में, तुर्की के इस्तांबुल में इसका हेडक्वार्टर है। और बता दूं और इसका गठन 1995 में किया गया था और इसे शॉर्टकट में WAIPA कहा जाता है, जिसे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कहा जाता है। इसका ये है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। यह इसकी थीम इस बार की है कि निवेशकों को सशक्त बनाना है। IPA भविष्य के विकास में अग्रणी है, इतना लंबा इसका थीम है, इसकी थीम है, याद रखिएगा। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में मेन मेन एजेंसी जो होती हैं, मुख्य एजेंसियां होती हैं, उनसे क्वेश्चन तो बनता है, साथ में उन जो उस मनाया गया उसके लिए उससे थीम भी आ सकता है। इसलिए आप थीम जरूर याद रखिए, इसकी थीम है निवेशकों को सशक्त बनाना है, सशक्त बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है CEO को, और यह भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थियरी डेलापोर्ट। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, याद रखिए। ये 2020 से CEO के रूप में विप्रो एक कंपनी है, उसमें CEO का कार्य करते हैं और इनको भारत में अधिक वेतन दिया जाता है, सबसे अधिक विप्रो कंपनी के CEO हैं, याद रखिए।
और लगभग मैं बता दूं कि 82 करोड़ सालाना दिए जाते हैं, यानी वर्ष वर्ष के 82 करोड़ रुपए दिया जाता है पूरे एक साल में, 1 ईयर में। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं सलील परवेज, जिनको, ये तो पहले नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हैं सलील परवेज, ये इन्फोसिस के हैं, इन्फोसिस के सीईओ हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले हैं और ये लगभग 56.5 करोड़ के आसपास पाते हैं, इतने रुपए पाते हैं साल का। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं महिंद्रा, टेक महिंद्रा, महिंद्रा कंपनी के सीईओ सीपी गुर नानी, और लगभग इनको 30 करोड़ रुपए दिया जाता है। आप जान गए हैं कि ये विप्रो के हैं सीईओ थियरी डेलापोर्ट, और इससे पहले इन्फोसिस के सीईओ सलील परवेज हैं, परेख हैं, सॉरी, सलील परेख हैं, और इसके महिंद्रा के सीपी गुरनानी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया एक विकसित देश है, यह अब तक 13वां नंबर का भी विकसित देश है एशिया में, यह पूर्वी एशिया में पड़ता है दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। याद रखिए, राजधानी से अगर आप किसी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजधानी से प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ की मुद्रा वॉन है, जिसे अंग्रेजी में लिखा जाता है वॉन, जीतने वाला, इस तरह। और मैं बता दूं, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। होल्म, होल्म, और यह राजनीतिक भारत के अधिकतर देशों के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध है, पर अब इस बार 50 साल पूरे हो गए हैं अच्छे से, तो इस किसके साथ हुए हैं? दक्षिण कोरिया के साथ हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। यह मोहन यादव की फोटो है और ये ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नहीं, पीएचडी भी किए हैं ये, याद है, पीएचडी किए हैं, एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, और ये मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की खासियत है कि यहाँ भोपाल इसकी राजधानी है, और इससे अलग होके छत्तीसगढ़ बना है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और अभी हाल ही में यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं। और इस चुनाव के परिणाम में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी विजयी हुए हैं, उनकी अच्छी टीम जीती है, और इन्हें सीएम पद के लिए घोषित किया गया है, और ये सीएम बन गए हैं इस समय।
याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, चर्चा में का विषय है, इसलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यह यूएन द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, 2000 से स्टार्ट किया गया है और 2003 से इसे मनाया जाने लगा है 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इसलिए मनाया जाता है कि यह पहाड़ों के महत्व को और उसके संरक्षण को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहाड़ों के संरक्षण के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग है, याद रखिए, एग्जाम में पूछता है वे, इसलिए मैं हर एक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, रुकिए, वाशिंगटन डीसी है, और रूस की राजधानी मास्को है। और मैं बता दूं कि ये जो परमाणु रिएक्टर है इसे पीढ़ी के तौर पे मापा जाता है। परमाणु रिएक्टर की जो डिजाइन होती है आमतौर पर इसे पीढ़ी द्वारा अलग किया जाता है। किस पीढ़ी का किस? यह उच्च ताप गैस कूल्ड रिएक्टर है जो अब बनाया है चौथी पीढ़ी का, इसे पहली पीढ़ी कहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चार पीढ़ियों के रूप में बांटा जाता है। तो यह चौथी पीढ़ी का पहला रिएक्टर चीन ने बनाया है, यह उच्च ताप गैस कूल्ड रिएक्टर है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। यह रक्षा रमैया हैं, यह कांग्रेस के नेता हैं और इन्हें चुना गया है टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखिए, बेंगलुरु। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सॉरी, पूरम। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और यहाँ के सीएम आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ कर्नाटक के सिद्धारमैया जी हैं, याद रखिए। और इसे कर्नाटक को पहले मैसूर कहा जाता था। एग्जाम में जैसे कोई स्टेट है उसका पुराना नाम दे सकता है, तो इसलिए आप याद रखिए कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ये हमारे देश के यानी भारत के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिए, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। क्योंकि कितने लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है। मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था कि अधिकांश लोग बता ही नहीं पा रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, इसलिए आप याद रखिए कि इनका नाम नरेंद्र मोदी है, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, याद रखिए।
पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन 4 दिवसीय 27वें व्यापार विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। और व्यापार में इस पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि इससे व्यापार और विकास हेतु यूएन द्वारा संगठित एक संस्था जिसका जिसको मतलब कि 1995 में गठित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर तुर्की में है, इस्तांबुल तुर्की में, टर्की जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, टर्की याद रखिए टर्की कहते हैं। और इसका WAPA शॉर्टकट रूप है। अब मैं थोड़ा बता दूं, रूस की राजधानी मास्को बताया हूं और भारत की जानते हैं आप सब। चलिए आगे के लिए क्वेश्चन पे, वीडियो लंबा हो रहा है, आप पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज जो सोलोमन का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज अक्सर अब पूछेंगे वेस्ट इंडीज क्या है, तो वेस्ट इंडीज यह कई द्वीपों का एक समूह है, हैं द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और इसकी कोई राजधानी नहीं, याद रखिए। एक मिनट, राजधानी नहीं है, वेस्ट इंडीज की राजधानी नहीं है। इंग्लैंड ये ब्रिटेन की राजधानी है, याद रखिएगा। और ये 98 ईयर के 98 यानी ये बहुत बुजुर्ग हो सकते थे, इनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई है, ये याद रखिएगा। ये अभी युवा नहीं थे जो सोलमन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो लाकाडोंग एक प्रकार की हल्दी का नाम है और यह मेघालय में पाई जाती है, तो मेघालय की इस हल्दी को जीआई टैग यानी ग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, इंडिकेशन ग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का फुल फॉर्म होता है। और यह हल्दी भी बहुत ही रोगों के लिए उपयोगी, जैसे चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं उसके लिए, और यह रंग गत निखारती है यानी गोरापन लाती है हल्दी, लाकाडोंग हल्दी। एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, यह हल्दी इस तरह की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, याद रखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मेघालय की शिलांग है। और केरल की तिरुवनंतपुरम है, बता चुका हूँ पिछले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में रीजनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 100 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अब्बास जैदी, ये 10वीं क्लास के छात्र हैं लखनऊ के, इन्होंने ये 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन 14, हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निखिल डे को, ये निखिल डे हैं,
साठ वर्षीय निकले इनको नामित किया गया है। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पे है और भारत इस बार चौथे नंबर पे आ गया, फोर्थ रैंक पे इंडिया भारत। स्टार्टअप रैंकिंग फंडिंग में होता है कि अपने देश के स्टार्टअपों को फंडिंग प्रोवाइड कराना होता है, तो इसमें अमेरिका पहले नंबर पे है और 2021 और 22 में भारत तीसरे नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था और इस बार फोर्थ नंबर पे आ गया है, चौथे नंबर पे। फोन पे जो होती है, फोन पे एप्लीकेशन, वो शीर्ष नंबर पे है, उन्हें 7,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। और एक होती है लेंस कार्ट नाम से, वो 5,000 फंडिंग के साथ दूसरे नंबर पे है। याद रखिए स्टार्टअप फंडिंग में पहले नंबर पे अमेरिका है, राइट आंसर ऑप्शन बी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो की जो इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे टच करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इसकी वीडियो मिल सकती है, वीडियो की पीडीएफ। याद रखिए पीडीएफ, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं स्टडी बोर्ड ऑफिशियल, इस नाम से चैनल होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए और आपको डेली करंट अफेयर्स की अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, वीडियो और पीडीएफ। और वहाँ पे क्विज भी चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।